अबे सोचो सोचो गुड्डू, हम लापतागंज से आज रात सुरीली को लेके भाग जाएंगे बे। अबे कितना मजा आएगा, सारे रस्म रिवाज को तोड़ देंगे, मामा और मौसी से दूर चले जाएंगे गुड्डू। हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। अबे गुड्डू, मुंबई जाने के लिए टिकट का इंतजाम किया? हाँ भैया, ले आए। हो गया, ये लीजिए। अबे यार गुड्डू, पापा कसम तुम ही हमारे सच्चे दोस्त हो। अब बस 7-8 हजार रुपए का इंतजाम भी कर दो गुरु। वो किस लिए यार, समझा करो बे। अबे तुम हमको लापतागंज से खाली हाथ विदा करोगे? तुमको शर्म नहीं आती? अबे शादी हम कर रहे हैं लेकिन फायदा तुम्हारा है गुड्डू। वो कैसे? आओ 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 भोलेनाथ के द्वार, चलो समझाते हैं। आओ जय भोलेनाथ, समझाइए इनको। आओ बैठो यहाँ पे, समझाइए। सोचो गुड्डू, एक लल्लन टॉप घर होगा। लल्लन टॉप घर तो आपका होगा। एक लल्लन टॉप बीवी होगी। लल्लन टॉप बीवी भी आपकी होगी। अबे 7-8 लल्लन टॉप छोटे छोटे बच्चे होंगे। हाँ भैया, लल्लन टॉप बच्चे भी आपके होंगे। अबे लेकिन 7-8 बच्चे चाचा चाचा तुमको बुलाएंगे बे। अबे सोचो गुड्डू, हम तुम्हारे लिए 7-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं ताकि वो 7-8 बच्चे तुम्हारी बुढ़ापे का सहारा बने, और तुम हो के हमारे लिए 7-8 हजार रुपए का इंतजाम नहीं कर रहे हो। अबे गुड्डू शर्म आनी चाहिए यार। ठीक है भैया, हम रात तक 7-8 बच्चे का इंतजाम कर देंगे। अबे 7-8 बच्चे का इंतजाम हम कर लेंगे गुड्डू, तुमको 7-8 हजार रुपए का इंतजाम करना है। अरे हमारा मतलब वही है, हम रात तक 7-8 हजार का इंतजाम कर देंगे। लेकिन एक समस्या है। समस्या? कैसी समस्या? अरे आपने भागने की प्लानिंग तो बना ली है लेकिन इस बारे में भाभी को अभी खबर तक नहीं है। अबे हाँ यार गुड्डू, हम सुरीली से कैसे मिले और कैसे कन्विंस करें कि आज ही रात हम दोनों को लापतागंज से भागना है बे। मामा और मौसी के रहते आप सुरीली भाभी से मिल नहीं पाएंगे और ये प्लानिंग फेल हो जाएगी। अबे पापा कसम फेल नहीं, अब खेल होगा। ये प्यार का कॉमनवेल्थ गेम है जिसमें मोहब्बत जीतेगी बे। अबे हम सुरीली से मिलने उसके घर नहीं जा सकते तो क्या हुआ? भोलेनाथ जी तो सुरीली को हमसे मिला सकते हैं बुलवा के। जय भोलेनाथ। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। अबे गुड्डू, पापा कसम भाभी कितनी गुड लग रही, गुड गुड बोलने की बंद कर रहा। भैया क्या बात है विजी पांडे, कल रात को मुंह मां मिश्री डाल के सोए थे का? हा? इतनी मिठास का टपका रहे हो? मिश्री? पापा कसम, ये नाम सुनते ही हमारे अरमानों के आंगन में तहलकस मच जाता है बाबे। का हुआ, ऐसे धुआं धड़ाके वाली बातें काहे कर रहा है? अरे भाभी, जिस आशिक के दिल से धुआं धू धू करके निकल रहा हो वो तो ऐसी ही बातें करेगा ना। ऐसा का हुआ कि इसके दिल से धू धू धुआं निकल रहा है? ऐसा का हुआ? पापा कसम, मौसी सुरीली के लिए लड़का देखने गुमशुदागंज गई थी। तो भैया की लुटिया डूबने से आप ही बचा सकती हैं? हम? हाँ आप। वो कैसे? हम चाहते हैं कि आप सुरीली के घर जाएं और किसी बहाने सुरीली को यहाँ लेके आए ताकि हम सुरीली से मिल पाए। बहुत अच्छी बात कहे हो तुम दोनों। हाँ बहुत अच्छी, पिछली बार तो हम बेवकूफ बने थे लेकिन इस बार ना ही बनेंगे। हाँ चलो निकलो यहाँ से, अभी काम नहीं करेंगे। देखिए भाभी, पापा कसम आपको करना पड़ेगा, आपको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। आपको आपकी चुक्कू की कसम, आप समझ नहीं रही है, कल को आपके चुक्कू भी जवान होगा, उसकी भी गर्लफ्रेंड होगी। अगर आज आप हमारी हेल्प करेंगी तो कल पापा कसम चुक्कू के भी कोई भाभी हेल्प करेगी, है कि नहीं चुक्कू? अम्मा बात तो सही है, हाँ कर दो हमारे खातिर। चल जा बाहर खेल जा। पापा कसम आपका चिक्कू कितना समझदार है, बिल्कुल आप पे गया है कि नहीं गुड्डू? हाँ भैया। वो का है ना बिजी, वो मौसी के साथ तो हम ऐसा ना ही कर सकते। भैया कब तक रहेंगे बिरह के दुख सहते, जो मौसी से डर जाए उसे इंदुमती नहीं कहते। आप देखना बिजी पांडे, अपने देवर की खातिर जब मैदान में उतरती है एक हिंदुस्तानी भाभी तो कैसे बनती है हर ताले की चाबी। हे गुड्डू, ये पकड़, ये का साफ कर और अंदर बिछा दो। हाँ दोनों शांति से अंदर बैठो, तब तक हम सुरीले को लेकर आते हैं। हम यू गए और यू आए, जबरदस्त यू गए यू आए।
है सुरीली? हाँ, कब तक गुब्बारे की तरह मुंह फुला के बैठोगी है? बात को समझ लो, तुमरा और पिज्जी का मेल संभव नहीं है, समझिए। पता है कितना अच्छा लड़का है, एक नंबर का लफंडर। अरे लफंडर तो पिताजी थे। दीदी हम गुमशुदागंज जाके सारी खबर लेके आए। दीदी लड़का बहुत ग्रेट है, ना खाता है तंबाकू पान और ना पीता है बीड़ी और दारू। बस हम ये चाहते हैं कि जितना जल्दी हो उस लड़के से रिश्ता पक्का कर दो। हाँ हाँ कर देंगे। क्या हम शादी कर लें? अरे शादी तो पिताजी किया करते थे। ए मौसी क्या बात है, सब लोग इतने चहका रहे हैं। ये कहाँ छटक गई? तुम्हें तो सब पता है, देखो बिजी पांडे का भूत इसके सर पे सवार है, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। दीदी हम सुतनी लाल के यहाँ जाके चाय सुड़क के आ जाओ। मुँह खुला के बैठे है, क्या बोले, गला सूख गया है हमारा। हम बोले हाँ बोले बेटा कहा है? अब कहा है ना मौसी, सुरीली तो दूध पीती बच्ची ना ही रही। नहीं जवान हो गई है। हाँ वही तो कह रहा है। तो हम भी ये कह रहे हैं कि वो के साथ सहेली की तरह बात करो ना, माँ की तरह ना ही समझाओ। सुरीली की माँ है, सहेली की तरह कैसे बातें करेंगे बेटा? तो हम है ना। अरे हम है तो का गम है, चाहे तो हमरे बस में का नहीं। अच्छा हम सुरीली को अपने घर ले जाते हैं और उसका अच्छी तरह से समझाते हैं कि बीजी के चक्कर में ना ही पड़ो। सच है ना, अगर तुमने हमारा ये काम कर दिया तो बस हम गंगा नहा लिए, जमुना पूछ लिए। ए सुरीली चल हमारे साथ। चलो बिच्ची हमारे घर में आए। बी अब इंदो हाँ हाँ बिच्ची का नाम लिया। अरे बिच्ची ना ही मौसी, हम कह रहे थे बिच्ची है। कहाँ बिच्ची है? चद्दर बिछी है मौसी, नई वाली, लाल काले पीले फूलों वाली, जो हम सुरीली को दिखाना चाहते हैं। मौसी समझा करो ना, सुरीली देखेगी ना। इंदु हम समझ गए हैं, हम समझ गए हैं। ए कहाँ खड़ी है, जाओ इंदु के घर जाओ। अबे गुड्डू पापा कसम यार हमारे चेहरे देखो टॉम क्रूज टाइप नहीं लगते। ए टॉम पांडे देखो तुम्हारी सपनों की रानी आई है। ए गुड्डू तुम यहाँ कचौड़ी तलोगे, चलो हमारे साथ। अबे जाओ ना। पापा कसम सुरीली जब भी तुम्हारा ये ब्यूटीफुल फेस देखते हैं हमारे हार्ट के गमला गार्डन गार्डन हो जाता है यार। ओ सुरीली पापा कसम हमने तुमसे कहा था ना कि हम एक सॉलिड प्लान बनाएंगे, हमने बना लिया। पापा कसम ये देखो गुड्डू लापतागंज से मुंबई जाने का ट्रेन का टिकट भी लेके आ गया है। ए ओ अब तुम जल्दी जाके पैकिंग कर लो। ओहो तो अच्छा ठीक है, रहने तो तुम पैकिंग मत करो, तुमको नए नए कपड़े दिला देंगे। ओके चूड़ियां भी खरीदेंगे, सलवार सूट भी खरीदेंगे और दुपट्टा भी खरीदेंगे। ओके और सुनो आज रात को हम तुम्हारे घर के पीछे आएंगे साइकिल लेके, वहाँ पे आ जाना, फिर वहाँ से हम लोग भाग चलेंगे मुंबई। ओके अब क्या हुआ? देखो सुरीली हम समझ सकते हैं, शादी टाइम दुल्हन रोती है लेकिन शादी के बाद दूल्हा रोता है। अब भैया हम नहीं कहते हैं, तो लोग कहते हैं, लेकिन हम दोनों रोएंगे थोड़ी ना, हम दोनों तो साथ साथ खूब हंसेंगे। ओके हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। अब चले आओ। ए बाबू कहाँ चल दिए? अरे हम तुम्हें जाने देंगे तब ना। ये क्या कह रहा हूँ मामा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे दिमाग तो पिताजी का खराब होता था, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये बात झूठ निकली तो हमारा जूता तुम्हारा सर, मतलब तुम्हारा जूता हमारा सर। भाई हमारे घर की वो लड़की भगा रहा है, ऐसे में हम झूठ बोलेंगे क्या? मामा की बात तो सही हैंगी, चलो चल के बीजी के पापा से बात करते हैं। अरे पापा से बात तो पिताजी किया करते थे। देखो भाई हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, हमको बीजी पांडे को सिर्फ सबक सिखाना है।
भाई वो आज हमारे घर की लड़की भगा रहा है, कल किसी और के घर की लड़की भगाएगा। अब फर्ज करो हैं, थोड़ी देर सोच लो, तुम सोचो हैं, सोचो सोचो जरा गौर से सोचो, कोई तुम्हारी बीवी को भगा ले तो। अरे ऐसे कैसे बीवी को भगा लेगा, टांगे नहीं तोड़ देंगे ससुरे की। अरे भैया ये तो एक परंपरा है, एक बार चल पड़ी तो फिर चल पड़ी। भाई देखो अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी के घर की बहन बहू या फिर बेटी ना भागे तो हमारा साथ दो, और आज रात लापतागंज के बाहर चल के पहरा दो, और जैसे ही विजी पांडे आए उसे धर दबोचो, जिससे रात की बात रात में ही दब जाए और विजी पांडे को भी सबक मिल जाए। हाँ हाँ मामा सही कह रहा है, अगर सुबह ये बात खुली तो विजी की बचपने की वजह से आस पास के ना जाने कितने गांव तक लापतागंज का नाम बदनाम हो जाएगा। हाँ तो ठीक है मामा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम भी तुम्हारे साथ हैंगे तो ठीक है। अरे ये क्या साथ देंगे, ये खुद अपने साथ नहीं है। अरे पगला गई हो क्या इंदुमती, विजी पांडे ऐसा कैसे कर सकता है? अगर मौसी और मामा उनके साथ ऐसा कर सकते हैं तो विजी ऐसा नहीं कर सकता का? तब तो हमें जाकर मिस्री मौसी से बात करनी होगी। नहीं उनका कौनो जरूरत नहीं है। तो फिर विजी पांडे को समझाना होगा। कौनो जरूरत नहीं है, अरे वो दोनों पाप थोड़ी ना कर रहे हैं, वो दोनों तो सच्चे प्रेमी हैं, और सच्चे प्रेमी का साथ तो भगवान जी भी देते हैं, तो हम नहीं दे सकते का? लेकिन किंतु परंतु कौनो चीज नहीं। अरे मौसी सुरीली की शादी कहीं और कर रही है, और अगर सुरीली की शादी कहीं और हो गई तो उनके जिम्मेदार कौन होगा? कौन? तुम। और नहीं तो का, और अगर सुरीली की शादी कहीं और हो गई तो बिजी तो खा लेगा जहर, उनका जिम्मेदार कौन होगा? कौन? तुम। और अगर बिजी ने खा लिया जहर तो सुरीली पे टूट जाएगा कहर, उनका जिम्मेदार कौन होगा? तुम। और नहीं तो का, क्योंकि तुम तो जाके मौसी को ही बता दोगे कि मौसी आज रात को बिजी सुरीली को भगाने वाला है। ए शुकु के पापा, सच्चे प्रेमियों को आशीर्वाद दिया जाता है, उनकी बद्दुआ ना ही लो, अगर बद्दुआ लेके कौनो अनाज शनाप हो गया तो उनका जिम्मेदार कौन होगा? तुम। नहीं नहीं हम जे बात, बाकी खुद ही समझदार हो, समझ लो। जय भोलेनाथ। अबे गुड्डो, पापा के साथ हम तारे लापतागंज में तुमको ढूंढा है, तुम यहाँ भोलेनाथ जी के साथ बैठे हुए हो। अबे पैसों का इंतजाम हुआ? अबे एक सेकंड। अबे तुम्हारे आंखों पानी कैसा है, आई फ्लू हो गया क्या? नहीं भैया ये पानी नहीं है, आंसू है। पापा कसम बहुत धांसू है। अबे गुड्डू यार तुम इतना इमोशनल हो गए, रोगे तो हम जा कैसे पाएंगे भाई? अच्छा सुनो, इमोशनल बात बहुत होगी, उसके चक्कर में असली बात तो बताना ही भूल गए तुम। अबे पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। हमारा मतलब है नहीं कैसे होगा भैया, ये हो गया इंतजाम। क्या बात है गुड्डू, यार तुम ही हमारे असली दोस्त हो, और ये दोस्ती जो है भोलेनाथ जी देख रहे। देखना गुड्डू, तुमको भी एक दिन हमारी जैसी गर्लफ्रेंड मिलेगी, और तुम्हारी सास भी हमारी सास जैसी होगी, और अपनी सास से परेशान होके तुम भी एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड को लेके भाग जाओगे, और उस वक्त हम तुम्हारी मदद करेंगे भाई, लेकिन विदाउट मनी। अब यार समझा करो गुड्डू, 7-8 बच्चे हो जाएंगे, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी भाई। अब ऐसे क्या घूर के देख रहे हो, चलो पैकिंग करनी है, चलते हैं भोलेनाथ जी। थैंक यू, चल बे। जय भोलेनाथ। पीछे के द्वार से निकली हो, हम तुम्हें लापतागंज के प्रवेश द्वार पर मिलते हैं। विजी पांडे हम आ रहे हैं।
जल्दी। सुरीली, हम ये सोच रहे हैं कि हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं सही नहीं कर रहे हैं। पापा कसम सुरीली, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे तुम्हारी बदनामी हो। नहीं सुरीली, हम कमजोर पड़ गए थे क्योंकि हम तुम्हारी मायों से डर गए थे कि कहीं तुम्हारी मायों तुम्हारी शादी किसी दूसरे लड़के के साथ नहीं करते। इसीलिए हमने ये प्लान किया था कि हम तुमको भगा के ले जाएंगे और शादी करेंगे। लेकिन सुरीली एक बात बताए, जिनके प्यार में कमी होती है वही भाग के शादी करते हैं, पर हमारा प्यार सच्चा है सुरीली। इसीलिए हमने डिसाइड किया सुरीली कि हम शादी करेंगे तो पूरे लापतागंज के सामने करेंगे, और जब तक कि तुम्हारी मायो अपने हाथ से तुम्हारा हाथ हमारे हाथ में नहीं देगी, पापा कसम हम तुम्हारे घर के आगे ऐसे ही भौंकते रहेंगे जैसे आज तक भौंकते आए हैं। सुरीली प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुमको कोई देख लेगा। जाओ सुरीली। सुरीली पापा कसम हम हर चीज में फेल हुए, ला में फेल हुए, तुम्हें भगाने में फेल हुए, लेकिन सुरीली पापा कसम हम ऐसे हीरो नहीं बनना चाहते कि तुमको भगा के ले जाए और शादी करें। देखना हम असली हीरो बन के दिखाएंगे, हमें माफ कर दो। अबे चिमगादड़ो, इतनी रात को बाहर काहे चौड़े के पड़े हो बे, घर से भगा दिए क्या? अरे अरे बिजी पांडे, अरे पकड़ लो इसे, जकड़ लो इसे, अरे पकड़ो जल्दी। ये बताओ कि सुरीली कहाँ है? अबे सुरीली अपने घर में सो रही होगी और हमारे सपनों में खो रही होगी, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? ज्यादा होशियारी मत दिखाओ बिजी पांडे। अरे जब तुम सुरीली को भगाने का प्लान बना रहे थे तब तुमने ये गाना भी गाया था, हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। अबे पगला गए हो क्या, हम सुरीली क्यों भगा के ले जाएंगे? और अच्छा ठीक है, मानो भगा के भी ले जा रहे थे तो तुम सो रहे थे वहाँ पे, तुमको हम क्यों उठाएंगे? सुरीली कहाँ है हमारे साथ? अबे ऐसा है, ऐसा इल्जाम तो लोग अपने दुश्मनों पे भी नहीं लगाते यार। पीजी पांडे बिल्कुल सच कह रहे हैंगे, सुरीली दूर दूर तक नहीं दिख रही हैंगी, इसका मतलब मामा झूठ बोल रहे हैंगे। अरे झूठ तो पिताजी बोलते थे। आखिर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे? तुम जानबूझकर विजय पांडे को फंसा रहे हो। अरे एक बार हमारी बात तो सुनो भाई, जब सुरीली घर से निकली थी तो हमने अपनी आँखों से उसे जाते हुए देखा था। अबे बिना चश्मे के किसी और को देख लिया होगा और क्या। हाँ मामा एक बात बताओ, अगर विजय पांडे के साथ सुरीली निकली थी तो यहाँ विजय पांडे अकेले क्यों आए हैंगे? और मामा याद करो तुमने क्या कहा था, अगर तुम्हारी गलती हुई तो हमारा सर और तुम्हारा जूता।
नहीं नहीं, हमने ये नहीं कहा था। क्या कहा था? हमने कहा था कि हमारा सर और तुम्हारा जूता। हाँ यही यही यही। अरे सुनो तो। अरे मामा ये सुनने का टाइम नहीं हैंगे, ये धुनने का टाइम हैंगे। अरे लेकिन सही कहा है कि प्रेम करने वालों के साथ भगवान होता है जो उन्हें कदम कदम पर बचाता रहता है। और ये भी किसी ने सही कहा है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन उसी गड्ढे में गिरता है।